जब आप किसी के साथ बात कर रहे होते हो चैट पे, फोन पे, और आपकी बातों की रिप्लाई में जब सामने वाला आपको बोलता है हम, ओके, अच्छा, तो पूरी तरह से आपका मूड खराब हो जाता है। आपको लगता है कि सामने वाले को आपके साथ बातचीत करना पसंद नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे दोस्त पूरा का पूरा उनका नहीं होता, दोस्त ज़्यादातर बार हमारा होता है। अब एक बात नोट करना कि जब कभी आप किसी के साथ फ्लर्ट करते हो या आप कोई इंटरेस्टिंग बात सामने वाले को शेयर करते हो, तब उनके रिएक्शन ऐसे नहीं होंगे। तब ज़्यादातर बार वो आपकी बातों में 100% इंटरेस्ट लेता है, एंड उनको भी ये सारी चीज़ें ना सुनना और डिस्कस करना आपके साथ अच्छा लगता है। लेकिन हम ज़्यादातर नॉन इंटरेस्टिंग चीज़ें उनको बताते हैं और उनके रिएक्शन तभी ऐसे होते हैं। इंसान अपनी लाइफ में कितना भी बिजी क्यों ना होगा, अगर आपके जैसा कोई पर्सन होगा जिनको बहुत ही अच्छी बातें बनाना आता है, बातें करना जानता है, तो इंसान उनके साथ बात करना चाहेगा भले उनके पास कोई टाइम ना हो। लेकिन जो इंसान हमेशा नॉर्मल बातें करता है, उनकी बातों में कुछ खास चीज़ें नहीं होती, तो आपके पास कितना टाइम होगा? ज़्यादा टाइम आप उनके साथ बातें नहीं करो। तो जब कोई बोर हो रहा होता है एंड हम ओके से रिप्लाई देता है, तो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, इस वीडियो में सिखाऊंगा एक्चुअली कि आप उनका कैसे रिप्लाई दे सकते हो, उन चीज़ों को, उन बोरिंग बातों को कैसे इंटरेस्टिंग और रोमांटिक बनाकर उनके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, एंड 100% आपके रिप्लाई देखकर उस पर्सन का एकदम से मूड बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ऐसी चीज़ों को आप किस तरह से एक फ्लर्टिंग वे में आंसर कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, कई बार ना लोग सामने वाले ऐसे मरे मरे हालत में पूछते हो कि कैसे हो, या आप उनको पूछते हो तो वापस वो आप पूछते हैं, तो आप नॉर्मली क्या कहते हैं कि ठीक हूँ, सही हूँ। अब ये रूटीन आंसर है, पहले भी 500 बार आपने ऐसे ही जवाब दिया था, तो लोगों को आप ये आंसर दो ना दो इसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आप इसके रिप्लाई में ऐसे दो कि मैं तो नमकीन हूँ, तुम बताओ तुम्हारा टेस्ट कैसा है, या तुम उनको ऐसे बता सकते हो कि बचपन से मैं तो नोटी हूँ, तुम तो जानते हो, या मैं तो पहले से स्मार्ट हूँ। आप इस वे में आंसर दीजिए तो आपको यहाँ पे बहुत आइडिया मिलेगा। जब आप ऐसे आंसर दोगे ना, तो उनका ध्यान ऊपर ऊपर होगा ना आपके चेहरे में, वो अचानक से आप में मतलब बात करने में इंटरेस्टेड हो जाएगी, उनके फेस में स्माइल भी आएगी, तो वो चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनाती है। अब वैसे ही नॉर्मल से एक्सप्रेशन होता है कि क्या कर रहे हो, तो ज़्यादातर बार हम क्या इसके आंसर देंगे कि भाई पढ़ाई कर रहा हूँ, खाली बैठा हूँ, ये कर रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ, ऐसे रिप्लाई नहीं देना चाहिए। जब तुम्हें कोई पूछे ना, तो इस अंदाज में तुम्हें रिप्लाई देना चाहिए कि एक दिल ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं हमेशा के लिए अपना घर बना सकूँ, जहाँ पर शांति से लाइफ टाइम मैं सुकून से रह सकूँ। समझ रहे हो? ठीक है, ये चीज़ क्या हो रही है कि तुम जो अपने एक दिल का फीलिंग हो सकता है तुम्हारी सिचुएशन में ठीक बैठता है, तो सामने वाले को समझ में आएगा कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा कहने का क्या टोन है। ठीक है, उस अंदाज में तुम अपनी फीलिंग को भी वहाँ पर शेयर कर रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ हटके हुआ, अदरवाइज तुम ये कहोगे कि बस ये कर रहा हूँ, तो ये बातें कुछ अलग बनाती, आपके कन्वर्जेशन में थोड़ी सी जान डालती है। तीसरी चीज़ होती है कि कई बार आपको सामने वाला पर्सन ऐसा बोलता है कि और सुनाओ। ठीक है, अब एक गौर करना कि उन्होंने ऐसा कहा है कि और सुनाओ, तो यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें बनती है जो कई बार आप उनको कहना चाहते हो तो यहाँ पे कह सकते हो, क्योंकि उन्होंने कहा और सुनाओ, तो तुम उनको सुना सकते हो कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। अगर लॉकडाउन का पीरियड है, अभी भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, किसी ने बोला था कि और सुनाओ, तो वो गाना बज रहा था, मैंने फ़ोन में रिकॉर्ड किया, उसको सेंड कर दिया कि एक मुलाकात ज़रूरी है अब जिंदा रहने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन बहुत सारे लोगों को काम आएगी। एंड ऐसा और भी एक सॉन्ग हो सकता है, ना गजरे की हार ना मोतियों की हार, फिर भी तुम कितनी सुंदर हो, तुम उनकी तारीफ भी कर सकते हो जब वो कहते हैं कि और सुनाओ। या अगर देखे तो और एक कि तुझे ना देखूँ तो चैन मुझे आता नहीं है, तो बहुत सारे यहाँ पे विकल्प खुल जाते हैं। तो तुम उनको जो ऐसा सुनाते हो, तुम्हारे कॉमन सेंस को दाद देगा कि यार सुनाने का मतलब तुमने रियल में कुछ सुनाया है, ठीक है, और सुनाओ। तो ये किसी पीटी बातें होगी ना कि और सुनाओ, इंसान कब कहता है, जब कुछ इंटरेस्टिंग रहता नहीं है तो तुम्हारी बातों पे वो फोकस करेगा, उनको मतलब अच्छी लगेगी ये चीज़। दूसरी चीज़, कई बार लोग ऐसे कहते हैं आपकी, आपको कोई नॉर्मल सी बात कहते हैं ना, वो कहते हैं कि अच्छा, ठीक है, ओके, अच्छा, ओके, तो आप उनको रिप्लाई कर सकते हो कि अच्छा तो मैं बचपन से हूँ, ठीक है, या अच्छा बोले तो एक तुम लड़की हो तो बता सकते अच्छा नहीं, अच्छी और बहुत अच्छी, और वो भी बचपन से। पाँचवीं चीज़ बहुत डेंजर, और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम रिप्लाई आता है, HMM, ठीक है, हम, इसका क्या मतलब होता है? तो आप इनका रिप्लाई ऐसे दे सकते हो कि लाइफ में फिर वो आपको हम बोलना ही भूल जाए। जब आपको कोई हम बोले तो उनको बताओ कि शायद तुम्हें बताना होगा कि हम का मतलब हाँ मेरी माँ होता है, ठीक है, तो
तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो समझ जाएंगे कि कौन माँ है और क्यों हाँ मेरी माँ बोल रहा है। तो याद रखना, जब ऐसा कन्वर्जेशन बोरिंग जा रहा होता है ना, तो पूरी तरह से आपकी बातचीत पे आपके कन्वर्जेशन में सीरियस नहीं होते। लेकिन जब आप इस तरह से थोड़े से फनी वे में, थोड़े से फ्लर्टिंग वे में या रोमांटिक वे में उनको आंसर करते हैं, तो उनका पूरा फोकस आपकी बात पे आ जाएगा। फिर भले ही वो आपको इग्नोर क्यों ना करे हो, ध्यान क्यों ना दे रहे हो, लेकिन हर किसी को ना इस तरह से बातें करना पसंद होता ही होता है। एंड हमेशा ऐसे बातें करोगे ना, तो इंसान हमेशा कितना भी बिजी होगा, आपके साथ उनको बातें करना पसंद ही आएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे साथ फेसबुक के, इंस्टाग्राम पे या मेरी ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो तो उनके सारे यूजफुल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।